Hey guys, तो आज हम Realme 12 Plus एंड Vivo T3 5G का स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। परफॉर्मेंस चेक करेंगे दोनों स्मार्टफोन का, वीडियो रेंडरिंग में, ऐप ओपनिंग स्पीड में एंड दोनों का बेंचमार्क स्कोर भी चेक करेंगे। दोनों स्मार्टफोन में थ्रॉटलिंग कौन ज्यादा करता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर किसका ज्यादा फास्ट है, 5G नेटवर्क स्पीड भी कंपेयर करेंगे दोनों स्मार्टफोन का, दोनों स्मार्टफोन का कैमरा कंपैरिजन भी करेंगे। दोनों सेम प्राइस सेगमेंट वाला स्मार्टफोन है तो दोनों का कंपैरिजन बनता है। गाइस, दोनों फोन 8GB रैम वाला है, दोनों स्मार्टफोन में MediaTek का चिपसेट लगा है। Realme 12 Plus में Dimensity 7050 एंड Vivo T3 5G में Dimensity 7200। दोनों में 120Hz AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा। टच सैम्पलिंग रेट Realme 12 Plus में मिलेगा 240Hz एंड Vivo में 300Hz। अगर आप दोनों स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप के बारे में जानना चाहते हो तो दोनों स्मार्टफोन का फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट और चार्जिंग टेस्ट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो। दोनों स्मार्टफोन में आपको अंडर डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फास्ट है, दोनों एक्यूरेट है। बट दोनों को अगर कंपेयर करूं तो Vivo T3 5G मुझे थोड़ा ज्यादा स्लाइटली फास्टर लगा और थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट भी। दोनों स्मार्टफोन को मैं थोड़ा यूज कर चुका हूं और डे टू डे यूज में मुझे Vivo T3 5G थोड़ा सा फास्टर एंड थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट लगा। नाउ सबसे पहले बेंचमार्क स्कोर दिखा देता हूं दोनों स्मार्टफोन का। Vivo T3 5G 7,15,16,000 के आसपास इसका स्कोर दिख रहा है, Realme 12 Plus का 6,00,000 से थोड़ा कम, 1,21,000 स्कोर ज्यादा दिख रहा है Vivo T3 5G का। एंड अगर दोनों के CPU स्कोर को कंपेयर करें तो 58,000 मोर ऑर लेस स्कोर Vivo T3 का ज्यादा दिख रहा है एंड GPU स्कोर भी लगभग 60,000 ज्यादा दिख रहा है Vivo T3 5G का। नाउ Geekbench 6 के स्कोर को अगर कंपेयर करें तो अगेन सिंगल एंड मल्टी कोर दोनों स्कोर थोड़े अच्छे मार्जिन से ज्यादा दिख रहा है Vivo T3 5G का। एंटूटू और Geekbench टेस्ट के बाद मैंने दोनों स्मार्टफोन में 15 मिनट 50 थ्रेड्स का CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट रन करके देखा एंड दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव दिखा, लेकिन अगेन Vivo T3 5G विनर है बेटर स्कोर के साथ। Realme 12 Plus 89%, Vivo T3 5G 93%। एंड गाइस, मैक्स एंड एवरेज परफॉर्मेंस जो है ना वो भी Vivo T3 5G का ज्यादा दिख रहा है। अगर आप अपने स्मार्टफोन में वीडियो एडिटिंग करते हो तो चलो दोनों स्मार्टफोन का वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करके दिखाता हूं दोनों स्मार्टफोन में काइनमास्टर ऐप यूज करके। गाइस, दो सेम फाइल मैंने दोनों स्मार्टफोन में ट्रांसफर कर दिया है। दोनों स्मार्टफोन में आप 2K 60fps पे वीडियो एडिट कर सकती हो, बट हम सेटिंग्स रखने वाले हैं 1080p 60fps दोनों स्मार्टफोन में। तो चलिए देखते हैं सेम सेटिंग्स पे दोनों स्मार्टफोन वीडियो को रेंडर करने में कितना टाइम लगाता है। ओके गाइज, इस बार जो डिफरेंस है ना वो ह्यूज दिख रहा है। Vivo T3 5G काफी आगे निकल गया है, इसने टास्क कंप्लीट कर लिया 3 मिनट 35 सेकंड्स में। Realme 12 Plus ने ऑलमोस्ट डबल टाइम लिया, 6 मिनट 27-28 सेकंड। दोनों फोन में जियो 5G सिम लगाया एंड ये है दोनों स्मार्टफोन का डाउनलोड स्पीड। वैसे डाउनलोड स्पीड फ्लक्चुएट करता रहता है बट मैं सेम जगह पे सेम लोकेशन पे सेम जियो 5G सिम लगाकर ये दोनों स्मार्टफोन का स्पीड आप लोगों को दिखा रहा हूँ एंड थोड़ा ज्यादा दिख रहा है स्पीड Vivo T3 5G का। अब एक प्रैक्टिकल टेस्ट करके देख लेते हैं दोनों स्मार्टफोन में एक APK फाइल डाउनलोड करके गूगल क्रोम से 1GB का। दोनों ने स्पीड काफी अच्छा दिखाया, काफी बढ़िया दिखाया, लेकिन थोड़ा आगे निकल गया Vivo T3 5G। 1GB का गेम डाउनलोड कर लिया 1 मिनट में और Realme 12 Plus ने लिया 1 मिनट 5 सेकंड्स, थोड़ा ज्यादा। अब गाइस, प्ले स्टोर से एक गेम डाउनलोड करेंगे 2.5GB का दोनों स्मार्टफोन में। जहां पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, यहाँ मुझे नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं मिलता और लोकेशन के हिसाब से मेरे इस एरिया के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन का स्पीड काफी इंप्रेसिव दिख रहा है। बट Vivo T3 5G अगेन आगे निकल गया, इसने 100% गेम डाउनलोड कर लिया 1 मिनट 51 सेकंड्स में एंड Realme 12 Plus ने लिया 2 मिनट 9 सेकंड ज्यादा। वैसे गेम 100% डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने में दोनों स्मार्टफोन ने ऑलमोस्ट सेम टाइम लिया। अब गाइस, हम ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट करेंगे दोनों स्मार्टफोन का। एक तरफ है Dimensity 7050 और दूसरी तरफ Dimensity 7200। दोनों स्मार्टफोन में 8GB रैम लगा है। सेटिंग्स थोड़ा पहले ओपन कर दिया Realme 12 Plus ने। अब हम अबाउट फोन ओपन करके रखेंगे दोनों स्मार्टफोन में, मल्टीटास्किंग में हम इसको वापस से चेक करेंगे रहता है या नहीं।
वाओ, ऐप ओपनिंग स्पीड में Realme 12 Plus काफी इंप्रेसिव दिख रहा है। अभी तक गाइस जितना भी नॉर्मल ऐप्स हमने ओपन किया, ज्यादातर ऐप्स को Realme 12 Plus ने पहले लोड किया, बट स्पीड का आइडिया हमें लगेगा गेम्स ओपन करने के बाद। तो नॉर्मल ऐप्स हो गया, चलिए अब गेम्स ट्राई करते हैं। सबसे पहला गेम है सबवे सर्फ। ओके, पहला गेम सबवे सर्फ पहले खुल गया Realme 12 Plus में। अब दूसरा गेम है टेंपल रन 2। ग्रेट, फिर से आगे निकल गया Realme 12 Plus। एक दो सेकंड पहले गेम लोड कर दिया। अब एंग्री बर्ड 2। एंड इस बार पीछे रह गया Realme 12 Plus और Vivo T3 5G 2-3 सेकंड आगे निकल गया। नाउ अगला गेम है सुपर मारियो। ओके, क्लोज था इस बार दोनों, लेकिन फिर से थोड़ा आगे निकल गया Vivo T3 5G। दोनों ने दो दो गेम अभी तक पहले ओपन किया। नाउ अगला गेम है फ्री फायर मैक्स। इंटरेस्टिंग, इस बार निकल गया Realme 12 Plus आगे। तीन गेम Realme का, दो गेम Vivo का। अब कॉल ऑफ ड्यूटी। अरे ये क्या देखना पड़ रहा है, फिर से Realme 12 Plus आगे निकल गया, Vivo T3 5G इस बार थोड़ा पीछे रह गया। इस बार गेम लोड करने में 6 या 7 सेकंड्स ज्यादा लिया Vivo ने। नॉर्मल एप्स के साथ साथ गेम्स में भी थोड़ा तेज दिख रहा है Realme 12 Plus। देखते हैं अब मार्वल का स्नैप में क्या होता है। फिर से डेविसिटी 7200 चिप वाला स्मार्टफोन पीछे रह गया। 5 गेम Realme का, 2 गेम ओनली Vivo का। अब BGMI। एंड इस बार गाइस Vivo T3 5G आगे निकल गया, BGMI पहले लोड कर दिया। गाइस कॉल ऑफ ड्यूटी को छोड़कर दोनों स्मार्टफोन के बीच में किसी भी गेम में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, बट स्टिल स्पीड टेस्ट का विनर है Realme 12 Plus। 8 में से 5 गेम पहले ओपन किया Realme 12 Plus ने और 3 गेम Vivo T3 5G ने। एंड नॉर्मल एप्स में भी ज्यादातर एप्स को Realme 12 Plus ने पहले लोड किया था। गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो आप दोनों स्मार्टफोन ले सकते हो, बट गेमिंग के लिए बेटर रहेगा Vivo T3 5G। गेमिंग में थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। 8GB वाले दोनों स्मार्टफोन का मल्टीटास्किंग में परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। देखते हैं इतने सारे एप्स एंड गेम्स को दोनों स्मार्टफोन कैसे हैंडल करता है। गाइस इतने सारे एप्स एंड गेम्स को मैनेज करना इजी जॉब नहीं था, एंड दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस अच्छा दिखा, बढ़िया दिखा। लेकिन अगर दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करें तो Vivo T3 5G थोड़ा बेटर दिखा मल्टीटास्किंग के लिए। ओनली ये टेस्ट नहीं, मैंने दोनों स्मार्टफोन को यूज करके देखा और डे टू डे यूज में मुझे Vivo T3 5G थोड़ा बेटर लगा मल्टीटास्किंग, मतलब रैम मैनेजमेंट थोड़ा बेटर है Vivo का। नाउ गाइस कैमरा, दोनों स्मार्टफोन के मेन कैमरे से आप 4K 30fps पे शूटिंग कर सकते हो, और अगर आपको फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करना है तो दोनों में आपको 30 और 60fps दोनों मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन के सैंपल को कंपेयर करें तो मुझे Vivo T3 5G का 4K रिकॉर्डिंग बेटर दिख रहा है। थोड़ा ज्यादा स्टेबल है Vivo T3 5G का फुटेज, लेकिन ज्यादा क्रिस्प दिख रहा है, क्वालिटी ज्यादा बेटर लग रहा है Realme 12 Plus का। एंड गाइस 1080p 60fps का सैंपल भी बेटर दिख रहा है Realme 12 Plus का, एंड ज्यादा स्टेबल भी। एंड गाइस ये है दोनों स्मार्टफोन का 1080p 30fps का सैंपल और साथ में फ्रंट कैमरे का सैंपल भी। Realme 12 Plus का एक और एडवांटेज है, आप इसे अल्ट्रा वाइड वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। नाउ गाइस फोटोग्राफी की अगर बात करूं तो मेन कैमरे का सैंपल दोनों स्मार्टफोन का आपको अच्छा लगेगा, पसंद आना चाहिए। दोनों स्मार्टफोन का डिटेल अच्छा है, दोनों स्मार्टफोन का इमेज शार्प है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा जूम करके देखो तो आपको Vivo T3 5G का इमेज थोड़ा ज्यादा शार्पर लगेगा। प्लस भी Vivo T3 5G ने अच्छा कैप्चर किया है, लेकिन ओवरऑल सारे इमेज को देखते हुए Realme 12 Plus मुझे थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है। स्किन टोन दोनों स्मार्टफोन का ओके दिखता है, एंड कुछ शॉट्स पे दोनों स्मार्टफोन ने थोड़ा गड़बड़ किया है। कहीं कहीं पे Vivo T3 5G में स्किन थोड़ा सा पिंक हो जाता है, एंड Realme 12 Plus में स्किन में
कहीं कहीं ग्रीन टिंट ऐड हो जाता है। मतलब दोनों में ही स्किन टोन एकदम परफेक्ट नहीं है, बट ठीक है, चलेगा, काम चल जाता है। वैसे पोर्ट्रेट शॉट्स में मुझे बेटर लगा वीवो T3 5G। स्किन थोड़ा सा ब्राइट कैप्चर करता है और हेयर वगैरह का डिटेल भी बेटर दिखता है वीवो T3 5G में। जो टी शर्ट का कलर है वो भी मैंने नोटिस किया है, दोनों में बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन रियलमी 12 प्लस क्लोज टू नेचुरल कलर कैप्चर किया रियलमी 12 प्लस ने। अब बात करते हैं सेल्फीज के बारे में। रियलमी 12 प्लस का जो कैमरा है ना, ज्यादा वाइड है, ज्यादा बड़ा एरिया कवर कर सकता है, यानी एक से ज्यादा लोग अगर सेल्फी लेते हैं एक साथ तो रियलमी 12 प्लस बेटर रहेगा। दोनों स्मार्टफोन में मैंने ब्यूटी ऐड नहीं किया है, यानी दोनों स्मार्टफोन एकदम नेचुरल है एंड स्किन का डिटेल जो है वो ज्यादा शार्प दिख रहा है रियलमी 12 प्लस में। वीवो T3 5G में स्किन थोड़ा सॉफ्ट दिखता है, लेकिन हेयर का डिटेल बेटर कैप्चर किया है रियलमी 12 प्लस से। स्किन टोन दोनों स्मार्टफोन का ओके है, लेकिन दोनों परफेक्ट नहीं है। कुछ कुछ शॉट्स में दोनों स्मार्टफोन ने थोड़ा इधर उधर कर दिया है। एंड गाइस, जो टी शर्ट का कलर है मेरा वो ज्यादा एक्यूरेटली कैप्चर किया है वीवो T3 5G ने ऑलमोस्ट सारे शॉट्स में। कैमरा दोनों स्मार्टफोन का अच्छा है, बट मैं पिक करूंगा रियलमी 12 प्लस। अगर गेमिंग आपका मेन रीजन है फोन खरीदने का, देन वीवो T3 5G थोड़ा बेटर रहेगा रियलमी 12 प्लस से। बट अगेन, आप रियलमी 12 प्लस भी गेमिंग के लिए ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डे टू डे परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो रियलमी 12 प्लस थोड़ा सा तेज दिखा ऐप ओपनिंग स्पीड में, और मल्टीटास्किंग में थोड़ा बेटर दिखा वीवो T3 5G। बैटरी बैकअप की अगर बात करूं तो रियलमी 12 प्लस थोड़ा ज्यादा चलता है वीवो T3 5G से, एंड चार्जिंग स्पीड में भी थोड़ा तेज है। तो गाइस, ये था दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन, स्पीड का, नेटवर्क का और दोनों स्मार्टफोन के कैमरे का। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।